उसको फिर किस तरह आप ट्रीट करते हो एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल, अगर देखें हम होम्योपैथिक की बात करते हैं तो माइग्रेन का अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योर की, यानी कि आपको अब नेक्स्ट टाइम पेन ना हो, और उसके लिए क्या होता है हमें एक ड्यूरेशन चाहिए होता है ट्रीटमेंट का, क्योंकि जब देखें सभी जब पेन का अटैक होता है तो वो इतना वो या तो मॉडरेट भी हो सकता है या वो सीवियर भी हो सकता है, इतना शदीद हो सकता है कि वो बस पेशेंट इतना तड़प जाता है कि मुझे आप बस कुछ भी कर नफ्सियात होती है अल्लाह मेरी कोई ब्रेन हैमरेज ना हो जाए, बिल्कुल मेरी दिमाग की नस ना फट जाए, ये आती है सोच, बिल्कुल ऐसी आती है, लेकिन माइग्रेन क्योंकि अब वो उनको रिपीट होता रहता है, रिपीटेटिव है, तो वो पता होता है उनको कि ये अब माइग्रेन है, जिनको शुरू में इनिशियली स्टार्ट हो वो बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन उसका एक नेचर यही है कि वो एक 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 फेस में आता है, फिर वो एक्सट्रीम मतलब होता है, फिर वो खुद ठीक हो जाता है, और वो बार बार हो सकता है, वो किसी ट्रिगर से हो सकता है, वो आधे सर में हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइग्रेन का एक बिल्कुल ही एक अलग स्पेसिफिक है, तभी लोगों को चाहिए कि वो समझें कि उनको क्या मसला है।